नमस्ते और आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। तो अगर आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स को देखा होगा तो हर व्लॉग में मैंने कुछ ना कुछ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की है हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो आज भी इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि कोई एक ऐसा टॉपिक पे आप लोगों से बात करूँ, अपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ जिसको लेके बहुत ज़्यादा ही मिस इन्फॉर्मेशन है और मिथ है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एब्डोमिनल्स के बारे में बात करना चाहूँगा, या फिर बोले तो एब्स, द मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट सॉफ्ट ऑफ द मसल्स ऑफ अ बॉडी। हर किसी को एब्स चाहिए, जो बंदा जिम जा रहा है उसे भी चाहिए, जो नहीं जा रहा उसे भी चाहिए। और ऐसा लोग समझते हैं कि जिसके एब्स वो सबसे ज़्यादा फिट है, उससे ही सब कुछ नॉलेज है, जिम का नॉलेज है, लोग उससे ही जिम में भी जाके पूछते भैया आपके एब्स कैसे हैं वगैरह वगैरह। कोई भी बंदा नया नया जिम ज्वाइन करता है, सबसे पहले वो अपने ट्रेनर से जाके यही बोलता है कि भैया मुझे एब्स चाहिए, मुझे एब्स बनाना है, मुझे 1-2 महीने में एब्स बना के दे दीजिए। सबसे पहले तो एब्स को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली ये होते क्या हैं और जिनके होते हैं उनके ही क्यों, हमारे क्यों नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा एब्स के बारे में थोड़ा सा कि वो एग्जैक्टली होते क्या हैं। सो लाइक योर बाइसेप, योर ट्राइसेप एंड लेग्स, जो कि हमारे बॉडी में एक ऑलरेडी एक मसल है, उसी की तरह एब्स भी हमारे बॉडी में एक एग्जिस्टिंग मसल है जो हम सबके पास होता है। यस, आपने सही सुना, ये हम मेरे पास भी आपके पास भी है, और चाहे वो कोई भी हो, मेल फीमेल बच्चा सबके पास होता है। सो अब आप बोलो कि वो दिखते क्यों नहीं है। उसके पीछे है बॉडी फैट का रोल। अब बॉडी फैट क्या है? बॉडी फैट को अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं तो बॉडी फैट इज़ बेसिकली द थिकनेस ऑफ योर स्किन। अगर थिकनेस बोले तो लाइक अगर आप अभी गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे ह्यूमन मसल एनाटॉमी, तो आपको एक प्रॉपर बॉडी बॉडी का एक एनाटॉमी आएगा कि मसल स्ट्रक्चर क्या होता है, कि कौन से मसल कहाँ होते हैं। तो अगर आप एनाटॉमी पूरी देखोगे तो स्टोमक के पास आपको दिखेगा कि वहाँ पे एब्स बने हुए हैं। वो एब्स सभी के होते हैं, चाहे मेरे हों आपके हों, बट वो दिखते इसलिए नहीं है क्योंकि उसके ऊपर जो हमारी स्किन है वो रहती है। अब वो स्किन की जो थिकनेस है, फॉर एग्जांपल लाइक ये आपका अगर मसल है, एब्स है यहाँ पे आपके मसल है, और ये आपका मान लीजिए स्किन, तो ये डिस्टेंस है एब्स से लेके हम मसल और ये स्किन का आउटर लेयर तक का, इसको हम थिकनेस बोलते हैं। ये थिकनेस कितनी होती है वो डिपेंड करता है कि आप डाइट कैसे ले रहे हो, आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल कैसी है। और अगर आपकी ये थिकनेस जो ये काफ़ी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपके एब्स नहीं दिखेंगे। तो अगर आपको चाहिए कि आपके एब्स दिखें तो सबसे पहले तो आपको अपना बॉडी फैट कम करना होगा। अब आप बोलोगे कि बॉडी फैट कम कैसे करें, तो बॉडी फैट कम करने का बस यही तरीका कि आपको एक फैट लॉस डाइट फॉलो करनी होगी, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्लान फॉलो करना होगा। और अगर आपको और डिटेल में जानना है कि एग्जैक्टली कैसे बॉडी फैट लॉस करना है या फिर फैट लॉस करना है, तो आप जाके मेरा एक वीडियो देखिए जो मैं यहाँ पिन कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, जो मैंने मैंने पहले बनाया था एक प्रॉपर डिटेल वीडियो। अगर और मैं थोड़ा सा इसके डिटेल में जाऊँ तो अब देखिए क्या होता है कि अब सबके जो मसल्स हैं उनके इंसर्शंस अलग है। इंसर्शंस क्या होते हैं? जहाँ पे आपके मसल जाके अटैच होते हैं। अब सभी की मसल एनाटॉमी अलग होती है, तो अब आपने देखा होगा किसी के एब्स 4 होते हैं, 6 होते हैं, किसी के 8 होते हैं, और बहुत रेयर है 10, किसी के 10 भी होते हैं। तो सबसे रेयर 4 और 10 हैं, और 6 और 8 कॉमन है। और आपके कितने एब्स होते हैं ये आप खुद से डिसाइड नहीं कर सकते, या फिर कोई ऐसा एक्सरसाइज करके, आप ऐसा नहीं होता है कि आप लोअर एब्स एक्सरसाइज करोगे तो आपके 6 आ जाएंगे 8 आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपके एब्स जेनेटिकली डिसाइडेड होते हैं, जैसे आपके हाइट, आपका हेयर कलर, आई कलर, वैसे ही आपकी मसल एनाटॉमी या फिर आपके एब्स जेनेटिकली डिसाइड होते हैं, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। और ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है कि एब्स के एक्सरसाइज करने से आपके एब्स आएंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है।
आप अगर 100 100 200 200 क्रंचेस करते हो तो करना छोड़ दीजिए, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। और अगर आपको करना ही एक्सरसाइज तो आप थोड़ा लाइक 10 to 15 रेप्स के लिए कीजिए, वेटेड क्रंचेस कीजिए, हैंगिंग लेग रेजेस कीजिए, और बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, 2 3 एक्सरसाइज काफ़ी है। वीक में 2 बार अगर आप एप्स करोगे तो काफ़ी है। सो जैसे आपके बाइसेप्स हैं, बाइसेप्स करने से आपके बाइसेप्स बड़े होते हैं, वैसे ही एब्स करने से आपके एब्स भी बड़े होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एब्स करने से आपके एब्स दिखेंगे। जब तक आप अपना बॉडी फैट कम नहीं करोगे तो वो नहीं दिखने वाले। अगर आपका बॉडी फैट बहुत ज़्यादा 25% 30%, तो फिर आप कितने भी एब्स कर लो, ज़िंदगी भर करते रहो, फिर भी नहीं दिखेंगे। सो अगर आपको चाहिए कि आपके एब्स दिखे, सबसे पहले अपना बॉडी फैट कम कीजिए, अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए, अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दीजिए। एब्स तो आपके आ ही जाएंगे अगर बॉडी फैट कम होगा। और बॉडी फैट कम होने ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आपके एब्स ही दिखेंगे, बहुत सारे उसके बेनिफिट हैं। सबसे पहले तो आपके हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं, दूसरा कि जो आप बोलते हो कि वेंस दिखते हैं बहुत सारे लोगों के, आपके क्यों नहीं दिखते? तो इसलिए नहीं दिखते क्योंकि आपकी बॉडी फैट ज़्यादा है। आपके हाथों में या फिर लेग्स में या फिर शोल्डर्स में आपको वेंस चाहिए तो बॉडी फैट कम करना होगा। अब आपके कितने वेंस दिखते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका बॉडी फैट कितना लो है, मसल मास कितना है आपका, आपके जेनेटिक्स कैसे हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और ये भी एक मिथ है कि कोई फैट लॉस सप्लीमेंट ले लीजिए आपका बेली फैट कम हो जाएगा। सबसे पहले तो कोई भी ऐसा सप्लीमेंट नहीं है कि जो आपका बेली फैट कम कर दे। और कोई अगर आपको बोलता है कि एब्स की एक्सरसाइज करो तो आपके एब्स आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आप स्पॉट रिडक्शन नहीं कर सकते। आपने कभी किसी को देखा है कि उसके गाल फूले हुए हैं, हाथ में काफ़ी फैट है बट उसके एब्स दिख रहे नहीं ना? सो एक काफ़ी एक अगर आप थोड़ा सा लॉजिक भी लगाओ इसके पीछे, थोड़ा सोचोगे भी तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली ये होता क्या है। सो अगर आपको कल को कोई बोले कि एब्स एक्सरसाइज करो एब्स आने के लिए, तो आप आई थिंक कि आप उसे बोल सकते हो कि एब्स एक्सरसाइज करने से एब्स नहीं आते हैं, वो बस स्ट्रांग होंगे या फिर थोड़े बहुत ब्लॉकी हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि वो एकदम पॉप अप करने लगे, एकदम दिखने लगे, पूरे एब्स में आपके वेंस आने लगे, वैसा नहीं होगा। अगर वो ऐसा आपको चाहिए तो बॉडी फैट कम कीजिए। आप बोलो कितना बॉडी फैट परसेंटेज वो दिखता है एब्स, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी जेनेटिक्स कैसी है, कि आपके बॉडी कहाँ सबसे ज़्यादा फैट होल्ड करता है। अगर आपका आपकी बॉडी फैट मोस्टली आपके स्टोमक के एरिया में हेल्ड करती है तो ऑब्वियसली वो और काफ़ी कम बॉडी फैट पे दिखेगी। अगर आपकी जेनेटिक ऐसी है कि आपका बॉडी फैट आपके स्टोमक में उतना नहीं आता है, आपके में भी शायद हाथ में आता होगा या बैक पे या फिर चेस्ट पे आता है, तो ऑब्वियसली आपके एब्डोमिनल्स दिखेंगे थोड़े हाइयर बॉडी फैट पे भी। ये काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है कि किसके एब्स कैसे दिखेंगे, कितने बॉडी फैट पर दिखेंगे, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें से मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जेनेटिक्स प्ले करता है, बट दिखेंगे सब कि ये फिक्स है। या इस ब्लॉग में मैं बस आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, और कोशिश करूँगा कि अगले जितने भी ब्लॉग्स हैं उनमें भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। फिलहाल चलते हैं अपनी दिन की दूसरी मील की तरफ। सो ये है मेरे दिन का दूसरा मील, अराउंड 150 ग्राम पनीर है ये, और ये है 4 चपाती घर पे बनी हुई। इस मील से मुझे अराउंड 30 ग्राम के ऑलमोस्ट प्रोटीन मिल जाएगा, और 60 ग्राम कार्ब्स और 20 ग्राम हेल्दी फैट्स। ये तीनों मैक्रोस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और मैं जिम जाने से पहले एक और मील खाता हूँ, जिम जाने से लगभग 2 घंटे पहले, तो वो मील भी मैं आप लोगों को जल्दी दिखा रहा हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। यह है मेरे दिन का थर्ड मील, जो कि होगा 200 ग्राम चिकन और 250 ग्राम राइस, और इसके साथ मैं जनरली वेजीज भी खाता हूँ, बट अभी कोई वेजीज नहीं घर पे बनी हुई तो मैं ऐसे ही खा रहा हूँ। और ये मैं जिम जाने से 2 घंटे पहले खाता हूँ, और अब मैं आपसे सीधे मिलता हूँ जिम में, और लगाते हैं एक अमेजिंग पुल वर्कआउट।
का मेरा पुल वर्कआउट रहा काफी अमेजिंग, और मुझे अपने लास्ट सेट से बेंट और रोइंग के जो कि मैंने 90 केजी के साथ किए उससे मुझे 6 रेप्स मिले और बल्किंग काफी अच्छी जा रही। और मैं अगले महीने से यानी 1 मार्च से मैं कट करने वाला हूँ, तो आप लोगों को और अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा और कंटेंट की जो क्वालिटी है यहाँ से बस ऊपर ही जाएगी, अलग लेवल पर मैं इसे लेके जाऊंगा। सो अच्छा अच्छा कंटेंट देखने के लिए लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।